भारत माता की। ऐसा नेता तो मिलना ही मुश्किल है, तो मिलने आए थे, देख लिया। मुझे देखना था, मोदी जी को देख लिया, छू भी लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, बस देखना था। योगी जी को, मोदी जी को टच करना था, छूना था, देख। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो वेलकम अमेरिकन इंडियंस ने यहाँ पर कर दिया है, वो तारीख में लिखा जाएगा। इतना वार्म वेलकम दिया गया है। और प्रेसिडेंट बाइडेन मोदी साहब को लेने के लिए अपने घर से निकलकर उनकी गाड़ी तक पहुंचे। इत्तेफाक की बात है कि इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी यूएसए में मौजूद हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी यूएसए में मौजूद हैं। लेकिन फर्क क्या है कि जो बाइडेन की अगर बात करें, वो स्पेशल खुद आया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने जो उनसे वेलकम किया और अपने प्राइवेट जो उनसे घर है या प्राइवेट फार्म हाउस है वहां पे लेके जाके मीटिंग की। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर 4-5 दिन से वहां पे मौजूद है, ना तो वो ट्रंप से मिले ना ही वो जो बाइडेन से मिले। क्या वजह है, हमारी वहां पे क्या रिस्पेक्ट है? और आप सोचकर देखिए, दुनिया में पहली बार हुआ है ये कि एक उग्रवादी डेजिग्नेटेड एक टेररिस्ट है, दूसरे कंट्री में वो बोलता है कि मुझे तो एक अलग से कंट्री बनाना है। सो ये देख लें, एक तरफ उधर अमेरिका है, वहां पे अमेरिकी जो लेजिस्लेटर्स हैं वो मोदी के इवेंट, डायस्पोरा इवेंट पे पहुंचे हुए हैं। लेजिस्लेटर मोदी के डायस्पोरा इवेंट पे पहुंचे हुए हैं। इतना इंडियंस पैसा फेंकते हैं, इतना इंडियंस पैसा फेंकते हैं कि लेजिस्लेटर नु कहंदे ने चलो साडे नाल आओ, मोदी मोदी करिए। थे सनी वजीर आजम के खिलाफ बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो बेचारा होटल तो बाहर नहीं निकलता, उन्हें डर था। सच्ची बात है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि हमारा वजीर आजम होटल से बाहर नहीं निकल सकता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करने न्यूयॉर्क पहुंचे। वहां 20,000 से ज्यादा लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया और पूरे न्यूयॉर्क में पीएम मोदी के साथ भारत माता की जय के नारे लगे। न्यूयॉर्क के नसाउ कॉलिंजियम के एकत्रित भारतीय समुदाय की विशाल भीड़ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मेरे लिए एआई का मतलब है अमेरिकन और इंडियंस की भावनाएं हैं। ये दुनिया की एक नई एआई शक्ति है। मैं यहाँ मौजूद सभी भारतीयों को सलाम करता हूँ। से भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में भारतीय प्रवासियों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समुदाय दुनिया भर में भारत का सबसे मजबूत राजदूत है। प्रधानमंत्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, मैंने हमेशा आपकी क्षमता, भारतीय समुदाय की क्षमता को समझा है। आप हमेशा भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, इसीलिए मैं आप सभी को नेशनल एम्बेसडर कहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने समुदाय की प्रतिभा और कौशल की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि इसने भारत को अमेरिका से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने भारत को अमेरिका से और अमेरिका को भारत से जोड़ा है। इत्तेफाक की बात है कि इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी यूएसए में मौजूद हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी यूएसए में मौजूद हैं। लेकिन फर्क क्या है कि जो बाइडेन की अगर बात करें, वो स्पेशल खुद आया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने जो उनसे वेलकम किया और अपने प्राइवेट जो उनसे घर है या प्राइवेट फार्म हाउस है वहां पे लेके जाके मीटिंग की। इसके अलावा अगर ट्रंप की बात करें, जो कि पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, अभी आने वाले टाइम में भी उम्मीद है कि वो फिर प्रेसिडेंट बनेंगे, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मैं मिलना चाहता हूं, वो मुझे मिलने आ रहे हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर 4-5 दिन से वहां पे मौजूद है, ना तो वो ट्रंप से मिले ना ही वो जो बाइडेन से मिले। क्या वजह है, हमारी वहां पे क्या रिस्पेक्ट है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वहां पे क्या रिस्पेक्ट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे क्या करने गए हैं? प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमें प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिल रहा? उन्हें बॉस कहा जा रहा है जी, वो क्वाड की जो मीटिंग है उसके बॉस है, और हमें जो उनसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा। क्या वजह है भाई? वजह बेसिकली ये है कि जो से हमारे हुक्मरान है ना, जो से ठीक है, वो बहुत ही गंदे तरीन इंसान है। आपको भी ये पता है कि इंसान मर रहे हैं, बच्चों को, छोटे छोटे को जहर दे रहे हैं, एक दिन का उसका नाम का खाना नहीं मिलता इंसान को। पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, बंदा क्या करे भैया? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे जी, क्या वजह है? उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, इन्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये जब भी कोई पैसा लेते हैं वो खा जाते हैं, ठीक है, और जो ये लोन लेते हैं बाहर से, जो अमेरिका से जहाँ से भी ले लिया, फिर उनको वापस नहीं करते, इसलिए इनकी हरकतें ठीक हो, सब कुछ सही चल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिले, रिस्पेक्ट भी मिले, हर चीज मिलेगी। वो आगे यहाँ पे हमारी बहन मौजूद थी, वो ये कह रही थी कि भाई इंडिया में भी ऐसे ही हालात हैं, ये वो, आपको लगता है कि वो वहाँ पे भी ऐसे ही हालात हैं या वो आगे जा चुके हैं? उनकी तो बात ही बहुत ज्यादा ना, गरीबी उधर भी है, है बहुत ज्यादा है,
मगर जो इस वक्त जो पाकिस्तान का जो हाल चल रहा है ना, मजदूर बना तो बिल्कुल ही मर गया। वो बेचारा जो बड़ी रैम में जिसने रावी में छलांग लगाई वो मर गया, उसको इतना बिल आया बेचारे को, बहुत से लोगों को बिल आया। मजदूर बंदे हैं, एक बंदा 1500 रुपया दिहाड़ी लेता है, वो अपने बच्चों का खाना पूरा करे क्या करेगा, बिजली बिल कैसे देगा, बच्चों की स्कूल की फीस कैसे देगा। पाकिस्तान में फर्क बताए, इंडिया बहुत हमसे आगे, हालांकि किसी वक्त इंडिया पीछे होता होता है। तो अभी ये देख ले, आज देख ले, आज इंडिया आगे पाकिस्तान पीछे, चाइना की तरफ देख ले। उसकी वजह क्या है, मतलब कोई वजह तो, वजह ये है भाई जन, खुद सब बहुत बड़े चोर हैं। ठीक है, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस आएंगे पब्लिक, आप ही तो वोट देते हैं, मैं ही तो वोट देता हूं। भाई जन वोट इधर पाते इमरान खान को डाले जाता उसको, नवाज शरीफ को, किसी और को, अगर पीपल पार्टी को जाता किसी और को, ये है जितनी भी जमातें हैं भाई जन, ये मैं आपको बता दूं, अगर इंसाफ के साथ वोटिंग, लेकिन उन्हें शायद ये लगता है पब्लिक हमारी सो गई है, पब्लिक बोलती नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पब्लिक डरती, जो भी कोई बेचारा बाहर निकलता है ना, जो भी बोलता है उसको पकड़ लेते हैं। पाकिस्तान में बांग्लादेश वाला हाल होना देख लीजिए। अच्छा, बांग्लादेश जैसा हाल होना है, हम तो कहते हैं की जी बांग्लादेश में हालात बेहतर हमें बताया जाते हैं, आपके सामने है मैसेज देना जरा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, क्या वजह है कि हमारी दुनिया में रिस्पेक्ट क्यों नहीं। वो खुद उसके नाम के एसी वाली गाड़ियों के ऊपर फिरते हैं, घर भी एसीओ में जाते हैं, गरीब वहां को पता नहीं, जैसे जिसने सुबह को जाना है उसका नाम के हाल को ये नहीं पता कि खाना भी बच्चों को ला के देना कि नहीं देना। ठीक है, ये बात आप क्या कहना चाहेंगे मैसेज को। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी हरकतें ठीक करें, और जैसा हम सब लोग, हम सब लोग बिल्कुल भी, हम हमारा भी कसूर है, क्योंकि हम ही वोट देते हैं, हम ही वोट देते हैं, हम ही इनको आगे लेके आते हैं, जब ये जीत जाते हैं फिर हमें पूछते कोई ठीक है। और फिर वो हमारे लीडर्स को शायद ऐसा लगता है कि अब आवाम बोलती नहीं है, आप इधर किसी से भी बात कर ले, गरीब बंदा अब देखे ना कोई बोले डरता नहीं, इधर आप चेक कर ले भाई जान, आप में से कोई बात करेगा कि भाई जो सूरत हाल चल रही है क्या वजह पाकिस्तान की रिस्पेक्ट क्यों नहीं, क्या बात करेंगे बताएं क्या वजह है। बाकी इधर आए, इधर यही बात करेंगे कि जैसी आवाम है वैसी हुक्मरानी। ठीक है, आप बताएं, नून लीग जैसी कोई हुकूमत ना आई है ना आएगी, अच्छी है, नवाज शरीफ जैसा लीडर ना आया है ना आएगा। ठीक है, नवाज शरीफ के दौर में दहशत गर्दी नहीं होती, सकून होता है। आपको आप बलूचिस्तान की सूरत हाल का आपको पता नहीं क्या हो रहा है, आप किस इलाके से, महंगाई नहीं होती, मैं मुल्तान का हूँ, मुल्तान में नवाज शरीफ ने कितनी दहशत गर्दी खत्म की है, अच्छा बल्कि पूरे पाकिस्तान में खत्म, आप मानते हैं। और नवाज शरीफ के दौर में 2018 में 70 रुपए लीटर डीजल मिलता था, 70 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था, 150 रुपए किलो, तो भी इमरान खान साहब ये कहते हैं 150 आज का क्या रेट है, आज का देख लो पेट्रोल का क्या रेट है, रोटी का क्या रेट है, कितने 2 रुपए की रोटी होती है, इमरान के दल से में ना कंजरा नचते हैं, और नवाज शरीफ के जलसे में तराने होते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप, ये देखिए ना उनकी अपनी ओपिनियन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है या झूठ बोल रहे हैं, आप इसके ऊपर क्या, आज देख ले आज क्या सूरत हाल आपके सामने है, अवाम को खाने के लिए नहीं मिल रहा, अवाम क्या करे भैया। उसमें उन्होंने वाजिया तौर पे कहा है कि जो मूर्तियां, जो एंटीक्स अंग्रेज जो है भारत से चुरा के जो है कुछ बरतानिया के म्यूजियम में पड़ी हुई हैं, तो कुछ जो है अमेरिका के अंदर जिनको रखा गया है, भारत उनको क्लेम कर रहा है। उन्होंने साथ बड़े खूबसूरत अल्फाज यूज किए हैं कि ये सिर्फ एंटीक पीस नहीं है, ये आर्ट नहीं है, ये हमारी हिंदू सिविलाइजेशन है, और इंडिया इस वक्त बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि जो इंडिया का लूटा हुआ खजाना था उसको लुटाया जाए, इंडिया अपनी हिस्ट्री को रिवाइव करना चाह रहा है। ऐसे ही है, अब बात यह है कि किसी ना किसी एशिया के बंदे को स्टैंड तो लेना था, वो चाहे मोदी ने ले लिया या कोई और लेता, मोदी ने इस वजह से लिया, कोई वजह होती है। जब इंसान किसी के बराबर में खड़ा होता है ना, तो जब टक्कर वाला इंसान हो तो वो ये बात कर सकता है, उनको पता है इनकी इकॉनमी तगड़ी। अभी यही होता है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कोई चीज़ मांगता तो उन्होंने तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर देना था कि हम क्यों दें, क्योंकि हमारे पास वो मुईशत नहीं है, वो हमारे पास इकॉनमी तगड़ी नहीं है। देखिए बात अब दुनिया वाले सुनेंगे इकॉनमी वाले बंदे की, कौन तरक्की कर रहा है, कौन तरक्की याफ्ता है।